मैम ग्रुप बन गया है हमारा, मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप होता बेटा है व्हाट्सएप उसका। ग्रुप अगर आप लोगों में स्टूडेंट में से कोई बना रहा है तो मुझे बना के लिंक शेयर कर दो, मुझे भी ऐड कर लो। 16 स्टूडेंट ही आप लोग मेरे पास शो हो रहे हैं यहाँ पर भी, तो ओके मैं 16 बना देता में हूँ। कितने का ग्रुप मैं बनवाऊँ? 3 3 बच्चों का ही। अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट का ग्रुप बनवाती हूँ मैं, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए अभी से कर रही हूँ, इस वक्त मेरे ख्याल से मुशाहिद लोग ने मेरे पास, मुकर्रम अभी तक नहीं आए, अनस है, अली असलम आए, दानिश आए, धीरज आए हैं, ठीक है, गिल मैन भी अभी तक नहीं आए। ये इनका क्या नाम होगा बेटा, गिल मैन? शेयर करूँ आप लोगों से ये वाली? ओवरऑल स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस मैम करने के लिए। मोहम्मद गिल मैन यही है, गिलमान, गिलमान। गिलमान अब्दुल हसीब भी अभी तक नहीं आए, शारिक भी नहीं आए, ठीक है, अपनान भी नहीं आए, काफी ज्यादा बच्चे अभी तक लॉगिन नहीं आए। इनाम आ गए, अली असलवाना, शारिक, मुशाहिद। अब मुझे ये नहीं मालूम ना इनमें से ये सब लॉगिन होंगे नहीं होंगे, ताकि मैं उस हिसाब से आप लोगों को बोल दूं अपना प्रोजेक्ट बना लें। अटेंडेंस नहीं लगा रही बेटा अभी मैं आप लोगों को FIP में निकल रहे हूँ प्रोजेक्ट के बारे मैम। में। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बड़ा होगा मतलब किस तरह बनाना होगा अंदाजन? बेटा सेमेस्टर प्रोजेक्ट, अगर आप लोगों का ओके मैम अपना ठीक है। अंदाजा हो कि हम लोग जब पहले भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो भी हम मिड टर्म के बाद ही डिसाइड कर रहे होते हैं मोस्टली, तो अभी मैं आप लोगों को इसलिए एडवांस में बता रही हूँ कि अभी तक जितने भी ऑनलाइन सेमेस्टर हमारे हुए उसमें हमारा मिड टर्म नहीं हुआ, तो जो लेट लॉग इन आए हैं तो उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि अभी तक हम बारे मिड टर्म नहीं हुए तो हम लोगों ने उसमें प्रोजेक्ट ही डिसाइड किया है, ठीक है। जो लेट आए हैं जिनका भी क्वेश्चन था, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, शायद शारिक ने किया था, है ना बेटा? किसने किया था मुझसे ये बात पूछी थी, तो ये हम लोगों ने डिफाइन किया था स्ट्रक्चर अभी तक, ठीक है। जो मेन चीज थी हमारी कि हमारे क्वेश्चन 10% होंगे, असाइनमेंट 20% होंगे, मिड टर्म एग्जाम अगर होता है तो वो 30% होगा, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें हमें आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक की रिपोर्ट राइटिंग भी शेयर कर लूंगी, ताकि आप लोगों का अंदाजा हो कि आप लोगों ने कैसी रिपोर्ट राइट करनी है। देन हमारा इसी में आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा, जो कि हम एंड ऑफ द सेमेस्टर जो है लास्ट वीक में, जो थर्सडे और फ्राइडे की क्लासेज होंगी उसमें हम लोग जो है प्रेजेंटेशन लाइव ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, आप लोगों के दो दो तीन तीन ही ग्रुप बनेंगे, तो इस हिसाब से हम लोग जो है प्रोजेक्ट लाइव ले लेंगे क्लास के अंदर ही। देन आपका 40% का फाइनल एग्जाम होगा। जो मेन चीज मैंने क्विजेस से रिलेटेड डिफाइन की थी, जो लेट लॉग इन आए उनको मैं एक चीज दोबारा से डिफाइन कर देती हूँ कि ये आपका जो है एक कम्प्लीटली LMS है, ठीक है। इस LMS में ये आपका फर्स्ट वीक है, जिसमें मैंने आप लोगों की जो है फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे अभी होगा फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे में मजीद हमारे पास लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, तो जो हमारे पास ये है फर्स्ट वीक, इस फर्स्ट वीक में हमने जो कुछ भी पढ़ा होगा इस सेकंड वीक में उसका क्विज वन आप लोगों का हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने मिल के अभी तक ये चीज डिसाइड कर ली है। मैंने सारे स्टूडेंट से ये चीज पूछ ली है, तो उन्होंने यही डिसाइड किया है, यही सजेशन दी है, या हम फ्राइडे के एंड में जो हमारे पास लास्ट आवर होगा, ठीक है, लास्ट 30 मिनट्स होंगे, उसमें हम लोग अपना इस वीक का क्विज देंगे, ठीक है। जो न्यू लॉग इन आए उनको ये बात क्लियर है, और जो इस यस वीक मैम में हम स्टेट ठीक पढ़ेंगे, है। जो इस वीक में हम पढ़ेंगे उसका इस वीक के फ्राइडे को लास्ट के 30 मिनट में क्विज हो जाएगा। आपके हर वीक में क्विज लेने का मकसद ये है कि देखिए, अगर आप देखा जाए तो 2 वीक का हम लोग एक वीक में पढ़ रहे होते हैं समर सेमेस्टर में, जब हर वीक में आप लोगों का क्विज होगा तो उसमें ये होगा कि अगर किसी बच्चे का किसी रीजन की वजह से क्विज नहीं हो पाया, उसका रह गया, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, चाहे लैपटॉप का कोई इश्यू हो जाए, ठीक है, चाहे वो आप लोगों का LMS में कोई इश्यू हो जाए, तो उसमें कोई मुझे बच्चा ये नहीं कहेगा कि मिस हमारा दोबारा क्विज ले ले, मेरा क्विज दोबारा ले ले। उसकी रीजन हम लोग ये करेंगे कि एंड ऑफ द सेमेस्टर जो है हमारे पास N-1 या N-2 हम लोग क्विजेस कर लेंगे, ताकि बैलेंस हो सके, ठीक है। और आप लोगों की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि मैं रिपीट क्विज नहीं करूंगी, मैं एक फिक्स कर दूंगी कि मुझे मे बी लास्ट में मुझे 5 क्विजेस वो करने हो टोटल, तो उसमें से बेस्ट 5 सिलेक्ट कर लूँ, तो ये ना हो कि आप लोग जो है जानबूझ के क्विज छोड़ रहे हो या जानबूझ के वो कर रहे हो, तो बेहतर होगा पहली कोशिश ये करें आप सारे क्विजेस दें, ताकि बेस्ट 5 में सिलेक्ट होते हुए
आपके एटलीस्ट 10 out of 10 वाले, मैं तो यही कोशिश करूंगी कि आप लोग 10 out of 10 ही बीच में से गेन करें मार्क्स, तो उस तरह से आप लोग जो है अपने क्विजेज आप लोगों के हो जाए। ठीक है, रिपीट क्विज नहीं जी बेटा। ये कोर्स तो से इम्प्रूवमेंट के लिए किया है, नॉर्मली तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे कुछ होगा। तो बस इसका यही आप लोगों के मेन बेनिफिट होगा, ठीक है, कि बार बार क्विज एक एक बच्चे का लेने के बजाय जो है हम, मैं सब बच्चों को इक्वालिटी पे रख के एक ही बार जो है 7 या 8 क्विजेस हम लोग लेंगे। ऑब्वियसली बात है 7 होंगे क्योंकि हमारे पास ये वाला वीक में तो क्विज नहीं होगा, पहले वीक में क्विज नहीं होगा, तो उससे नेक्स्ट 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 वीक में क्विजेस हो रहे होंगे, तो हमारे पास टोटल है ही 8 वीक्स का ये सेमेस्टर, तो उनमें से 7 वीक में क्विजेस होगा, तो 7 में से बेस्ट 5 सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो उस बेस्ट 5 में कोशिश कीजिएगा आप लोग 7 के 7 दें ताकि आप लोग फुल मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, पहली कोशिश आप लोग ये कीजिएगा, बाकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, लैपटॉप का इशू हो सकता है, एलएमएस का इशू हो सकता है, ठीक है, जो भी इशू होगा वो उसी में रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये बात एक मेन डिस्कस की गई थी, असाइनमेंट्स की बात डिस्कस की गई थी, जो कि हर वीक में मैं डिसाइड कर लूंगी, लास्ट वीक में असाइनमेंट नहीं दूंगी, उसे एक वीक पहले दूंगी ताकि आप लोग टाइमली सबमिट कर लें, क्योंकि लास्ट वीक में मैं आप लोगों की प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन लूंगी। ये दो चीजें डिस्कस की गई थी मेन, बाकी आप लोगों की मैंने बुक बता दी थी कि यहाँ पे बुक मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है, इसका लिंक शेयर किया हुआ है, देन आप लोगों का जो है मिड और मिड आउट मिड के बिना वाला मैंने आप लोगों से ये शेयर कर दिया आप लोगों का, ठीक है, कि अगर मिड नहीं होगा तो आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा, जो मेन चीज इसमें बताने वाली थी। थर्ड, यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी अपलोड की, इनफैक्ट मैं एक बुक और यहाँ पे डेटाबेस की अपलोड करूंगी जो मैंने पढ़ी थी अपना जब मैं इंटरव्यूज वगैरह देती थी, ठीक है, जो हम लोग शुरू में जब जॉब सर्चिंग के लिए जाते हैं तो उसके इंटरव्यूज में जो बेसिक डेफिनेशंस पूछी जाती हैं उस बुक में बहुत ईजी डेफिनेशंस लिखी हुई है, पूरी डेटाबेस से रिलेटेड है मेरे पास। इनफैक्ट बाकी बुक्स भी अगर आप लोगों को बाद में जरूरत पड़े तो आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन डेटाबेस से रिलेटेड की बुक जो है मैं वो यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर लूंगी, ठीक है, उसमें बहुत इजी डेफिनेशंस लिखे हैं। इनफैक्ट अगर आपसे एग्जाम में भी मैं कोई चीज पूछती हूँ इससे रिलेटेड, तो आप लोग बेशक वहीं की डेफिनेशन को एक दफा रीड आउट करके वो भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी वर्डिंग में वो बुक है, तो अभी मैं वो भी आप लोगों से एक शेयर कर लूंगी। देन क्या चीज है आप लोगों से जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी, बस यही था, कुछ रेफरेंसेस बुक है, ठीक है, और उसके बाद से हम लोग जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये लेक्चर जैसे फिनिश होगा तो हम लोग आज की अपनी क्लास भी फिनिश कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह कल से एक हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। हम यहाँ मैम पे जी बेटा, हमारी क्लासेस थर्सडे एंड फ्राइडे ही है ना? जी बेटा थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस होंगी, और फ्राइडे के एंड में आप लोगों का, नेक्स्ट फ्राइडे के एंड में आपका इस वीक में हमने जो कुछ पढ़ा होगा उसका क्विज होगा, ठीक है, जो लेटेस्ट हमारा वीक होगा उसका क्विज कभी नहीं होगा, नेक्स्ट वीक उसका क्विज होगा, जैसे हमने इस वीक में पढ़ा है जो कुछ, आज थर्सडे को पढ़ा है, और कल फ्राइडे को जो पढ़ेंगे उसका क्विज आपका कब होगा, नेक्स्ट फ्राइडे को, ठीक है, इस तरह से हमने डिफाइन किया ये चीज। अपनान बेटा आप क्या बात करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन ही रहेगा, पूरा सेमेस्टर की बात की जा रही है या सिर्फ अभी तक इस वीक की? बेटा अभी तक ना हमारी नॉलेज में यही है कि ये वीक है हमारे पास ऑनलाइन, सेमेस्टर का अभी तक हमें भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपके पास भी नोटिफिकेशन फेसबुक पे मैंने देखी थी यही आई है कि ये वीक आप लोगों का ऑनलाइन है, अभी तक हम लोग इसीलिए मिड में चल रहे हैं ना, कि अगर पूरा ऑनलाइन हुआ तो ऑब्वियसली बात है मिड नहीं होगा हमारा, मिड नहीं होगा तो हम प्रोजेक्ट कर लेंगे, अगर ये क्योंकि मोस्टली हमारे साथ यही हुआ अभी तक, ऑनलाइन सेमेस्टर में हमारा मिड नहीं हुआ, इसलिए हम लोग अभी थोड़ा सा बीच में है, तो इसलिए मैंने कहा है कि आप प्रोजेक्ट आइडियाज भी अभी से देखना शुरू कर देंगे, आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी ग्रुपिंग भी आप लोग टीम जी बेटा अहमद, मैम हम इसमें MySQL कवर करेंगे डेटाबेस में। जी बेटा करेंगे, और उसके बाद जो है आप लोग अभी से जो है आपके पास ये वीक है इसमें आप डिसाइड कर लें कि आप लोग तीन तीन मेंबर्स का ग्रुप बना लें अपना, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट आइडियाज भी ढूंढना शुरू करते हैं, ताकि आपके पास एक, आप कल को ये नहीं कहेंगे कि मिस हमारे पास टाइम शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे डेटा की बात की थी, इंफॉर्मेशन की बात की थी, नॉलेज की बात की थी, जहाँ पे हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, इन्फेयर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी कैपेबिलिटीज को, और इंफॉर्मेशन उससे हम लोग जो है नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है,
इसकी एग्जाम्पल मैं अभी यही सोची थी मैं आप लोगों को क्या दूं, जैसे हम लोग एक यहाँ पे स्टूडेंट की एग्जाम्पल थी, ठीक है, हमारे पास फाइव वर्क उसकी एग्जाम्पल थी, ठीक है, कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसकी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले ली। जैसे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं अपने वेदर की, ठीक है, कि हम लोग वेदर को देखते हुए जो है एक नॉलेज गेन कर लेते हैं, एक नॉलेज अपना वो बना ले, प्रिडिक्शन बना लेते हैं कि मे बी हमारे पास आज रेन होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉलेज है जिसमें हम लोग जो अपना डेटा गैदर करते हैं उसके ऊपर जो हम लोग जो है इन्फेयर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर इन्फेयर अप्लाई करने के बाद जो है हम लोग जो है क्या करते हैं अपना एक नॉलेज क्रिएट कर रहे होते हैं कि इस वेदर को देखते हुए इस उसकी प्रिडिक्शन लगाते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आज बारिश होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल थी यहाँ पे। देन हमारे पास है ह्यूमन वर्सेस आईटी। हमने यहाँ पे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बात की, ठीक है, जब हम जो हम लोगों ने ये पैरामीटर बनाया था इसको हम बेसिकली क्या कह रहे थे, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ पे हमारे पास जो है हम एक रॉ डेटा को, जो हमारे पास एक बड़ा डेटा होता है, ठीक है, बिग डेटा, उसमें से हम लोग जो है अपनी नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं, उसमें से हम लोग जो है अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हासिल कर रहे होते हैं, हम किसी भी चीज की डिटेल में जा रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन, कि हम उसमें से डेटा को हासिल कर रहे हैं, उसमें से हम मजीद नॉलेज निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इस जो हमारे पास ये मैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास जो है एक डिग्री क्रिएटर, इसको हम क्या कह रहे हैं, डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ पे हम लोग जो है एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने एक्स और उसमें वाई एक्सिस में, ठीक है, जहाँ पे हम क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जब डेटा की बात होती है तो वहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉलेज के, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारा एक मिड पॉइंट है जहाँ पे हम लोग जो है मजीद अपने डेटा को जो है वो रिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या होती है, थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू डेटा के, और जब नॉलेज की बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास मजीद क्वांटिटी जो है डेटा की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हम उसके ऊपर क्योंकि मजीद जो है उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद हम लोग जो है नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन वर्सेस आईटी की, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक बात की जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे हम डेटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन कर रहे हैं। देन हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, मैनेजमेंट लेवल पे, ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है इस वक्त, और ये कहाँ पे हमारे पास मर्ज होके लेवल ऑफ सिस्टम बनेगा, कोई मुझे बताएगा? मैम, जो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है पिरामिड, उसमें यह है कि ये हमारे पास जो ये कंप्यूटर है ना, हमारे पास जो आईटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज जो हमने पहले पढ़ा। और उसमें जो हमारे पास लास्ट वाला है, ये जो हमारे पास रियल लाइफ ह्यूमंस की जो जिस तरह होता है ह्यूमन लाइफ में और जिस तरह चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो बता रहा है, जिसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेक्टिकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो बीच वाला है, ये इन दोनों का जो है वो है, क्या कहते हैं, मिक्सचर मर्ज किया हुआ है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कम्बिनेशन है, ठीक है, उसका कम्बिनेशन बनाया हुआ है। हम जब ऑपरेशन लेवल की यहाँ पे बात करते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे बात करते हैं, बेसिकली ये हमारे पास जो है हम जब बात करें इसकी मैनेजमेंट लेवल पे, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन लाइफ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक ह्यूमन लाइफ है। आप लोग जैसे मैं मोस्टली जब भी पढ़ा रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ज्यादातर एग्जाम्पल जो है वो आपकी अपनी ही यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दूँ, क्योंकि इस वक्त भी आप फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं और मैक्सिमम आप लोग जो है सिक्स सेमेस्टर तक के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक सेवन्थ सेमेस्टर में जाके अपनी एक जो मैं कहती हूँ प्रोफेशनल लाइफ अभी तक स्टार्ट नहीं की। कोई है यहाँ पे जो हाउस वर्क वगैरह कर रहा हो, हैंड रेस करके बताए, अगर कोई कर रहा है तो वो भी थोड़ा सा इस चीज को भी एडवांस में भी जानता होगा, अदरवाइज जो है आप लोग इसकी नॉलेज एक स्टूडेंट लाइफ तक की ही आप लोगों के पास नॉलेज होगी, और स्टूडेंट लाइफ तक की नॉलेज का मतलब ये कि आप सिर्फ अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी को ही जानते होंगे, तो नहीं कोई मैम, मैं एक यूके कंपनी के साथ काम करता हूँ, और उनकी शिफ्ट जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें। सही, और बाकी बच्चे जी बेसिकली हमारे पास इसमें जैसे जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो ये चीज जानते एम आई आई होंगे। टी लाइक मैं वो लेवल्स और ए लेवल्स को कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। हम ट्यूशन्स या ट्यूशन सेंटर में, नो मैम, प्रॉपर कोचिंग में भी, और कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, ऑनलाइन वेरी गुड पढ़ाता वेरी गुड, अच्छी बात है।
अच्छा यहाँ पे हम लोग जो है एक एग्जाम्पल यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमारी DHS सोफा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पे जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग क्या करें, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें डेली बेसिस पे, जैसे हमारा जो है मार्केटिंग है, ठीक है, मैं उसके एक अपना डेली बेसिस पे वो लोग अपना ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे जो है उसके बाद HR है वो अपने डेली बेसिस पे मैंने वो कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली ये मेंटेन किसको कर रहे हैं, अगर हम HR की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम एडमिशन ऑफिस की बात कर रहे हैं कि कितने बच्चों के एडमिशन, आप लोग देख रहे होंगे थ्रू आउट हम लोग एक बैच लेते हैं सेमेस्टर वाइज, ठीक है, लेकिन हम सेमेस्टर वाइज में भी जिस टाइम मेरी एक दो एडमिशन ऑफिस में वो ना हो तो मैं वहां पे इस चीज को भी अंदाजा लगा सकती हूँ कि वहां पे वो लोग भी डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, एडमिशन ऑफिस वाले भी डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं कि अभी हम लोगों ने ये हायरिंग स्टूडेंट्स ही कर लिए, इतना हम लोगों ने बैच सेलेक्ट कर लिया, इन इन चीजों की एप्लीकेशन आ रही है, अभी वो कंप्लीट एप्लीकेशन और न्यू बैच स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने न्यू एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं कि अब हमारा जो है स्प्रिंग सेमेस्टर की वो एडमिशन ओपन हो रहे हैं, अभी स्प्रिंग सेमेस्टर के एडमिशन ओपन होते हैं, स्प्रिंग सेमेस्टर के बच्चों की हायरिंग होना शुरू होती है, उनके एडमिशन टेस्ट होते हैं, उनकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, ठीक है, वो फिर एडमिशन उसका अरेंज कर रहे होते हैं, उसका एडमिशन टेस्ट अरेंज कर रहे होते हैं, ये सब कुछ अरेंज करने के बाद जो है देन उनकी कंप्लीटली सिलेक्शन होगी, ठीक है, उनको फिर आगे अकाउंट ऑफिस भेज दिया कि आप लोगों ने ये फी पे करनी है, आपके ये कोर्सेज के हिसाब से ये फीस हो रही है, ठीक है, तो आप लोग जो है अकाउंट ऑफिस चले गए, वो भी आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी देखे, फिर हम उनके पास फैकल्टी में आ रहे हैं तो कि वो हमारी लीव को देखते हुए हमारी फीस हमारी सैलरी डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं डेली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, ये चीज क्लियर होगी, स्टूडेंट्स के ऊपर आया, अभी आप लोग स्प्रिंग सेमेस्टर की कंप्लीटली हायरिंग वो हुई है, एडमिशन हुए हैं तो साथ ही वो एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं किसकी, फॉल सेमेस्टर की, तो वो उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर वो यहाँ पे जो है अपने डेली बेसिस पे बाकी कोर्सेज वो कर रहे होते हैं, न्यू एडमिशन अगर न्यू हम लोगों ने कोई प्रोग्राम ओपन करना है उसके बैकएंड पे हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज होंगे, किसको प्री रेक बनाना है, किसको प्री रेक बनाना नहीं है, यानी कि HEC की वो चीजें वगैरह देख के सारे प्री रेक वगैरह डिफाइन कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें वो लोग कर रहे होते हैं, यानी कि वो थ्रू आउट डेली बेसिस पे अपना एक काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो हम ऑपरेशन लेवल की बात करते हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये हमारे पास जो है डेली लेवल पे काम कर रहे होते हैं, देन हमारे पास जब आता है तो, और ये जो हमारे पास अगर चीज है, जैसे एक स्टूडेंट ने ये बात बताई कि हमारे पास जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है ये डेटा, असल में क्या हो रहा है, ये लोग भी डेटा पे काम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ये क्या कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स का हम लोगों ने एडमिशन, कितने स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन आई, वो एक डेटा हो गया, ठीक है, किस सेमेस्टर की, अगर फर्स्ट सेमेस्टर की वो हो गई, ठीक है, तो यानी कि एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर का ही होता है, तो इतने बच्चों के वो आई, किस किस प्रोग्राम में आई, वो ये चीजें देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज बन रही है, वो एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं उसके आगे फर्दर कि इस प्रोग्राम में इतने स्टूडेंट्स हैं, इस प्रोग्राम में इतने स्टूडेंट्स हैं, इस प्रोग्राम में इतने स्टूडेंट्स हैं, तो ये किससे रिलेट हो रहा है, हमारे पास ऑपरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस सिस्टम से, जो कि हम लोग ऑलरेडी डेटा पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रॉ डेटा होता है जहाँ पे हमारे पास जो है नंबर फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी हमारे पास जो है वो डेटा पे ही काम कर रही होती है, तो ये यहाँ पे इस तरह से जो है ये मर्ज हो रहा है, ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है टेक्निकल मैनेजर, ठीक है, मैनेजमेंट टेक्निकल मैनेजमेंट हमारे पास क्या होती है, ये बात कर रहे होते हैं जनरल मैनेजर इसको देख रही होती है, जो जनरल मैनेजमेंट होती है वो हमारे पास देख रही होती है, जो कि हमारे पास एक मिडल लेयर है, ठीक है, जो मिडल मैनेजमेंट भी हम जिसको कहते हैं वो है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो डेटा होता है वो कंप्लीटली हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेमी स्ट्रक्चर होता है डेटा, सेमी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं हमारे पास, यहाँ पे हम लोग जो है स्ट्रक्चर डिसीजंस ले रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जो है सेमी स्ट्रक्चर डिसीजंस ले रहे होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास आ रही है, कोई हम लोगों ने हायरिंग की एडवर्टाइजमेंट दी है, ठीक है, हायरिंग की एडवर्टाइजमेंट के बाद अगर मैं आप लोगों की भी बात करती हूँ कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, एज अ स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने जो है 30 सीट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉर्ट डिसीजन ले रही हूँ, ठीक है, 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है कंप्यूटर साइंस में कि हम लोगों ने एक क्लास 30 सीट्स की बनाया हुआ, 30 स्टूडेंट्स की क्लास बनानी है, 30 न्यू स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है उनका एडमिशन देना है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमने क्या किया, आप लोगों के पास जो है 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, हम ये चीज कहते हैं इसमें, ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, वो सारी एप्लीकेशन कोई अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 50 के करीब एप्लीकेशन आई हैं, वो सारे जो है हम लोगों के पास क्या है, उनके 50% मार्क्स हैं, ठीक है, 50 एप्लीकेशन साइन, 50% मार्क्स हैं, उसमें से हम लोगों ने यानी कि वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं हमारे, ठीक है, क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद हमने उस क्राइटेरिया में से जो है कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने,
सिर्फ 30 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, बाकी 20 को हम लोगों ने क्या है रिजेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे जो है टेक्निकल मैनेजमेंट में हम लोग जो है यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं, हम कुछ और क्राइटेरिया जो कि हम लोग सेमी स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने इसमें से हाफ स्ट्रक्चर बना दिया, कि 50 स्टूडेंट्स को जो है इनरोल होना है, 30 स्टूडेंट्स की हमारे पास सीट है, 30 स्टूडेंट की क्लास है, 30 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आएंगे, ये चीज हमने एक फिक्स कर दी। दूसरा हमने कह दिया कि 50% का हम लोगों ने उसका क्राइटेरिया, उसकी एक बाउंड्री बना दी कि जितने बच्चों ने अपने इंटर में मार्क्स जो है वो 50% लिए हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम हम लोगों ने 50% बता दिया, ठीक है, ये हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बता दिया। हमारे पास उस 30 सीट्स के लिए 50 स्टूडेंट्स आ गए, 50 स्टूडेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन दी, 50 स्टूडेंट्स कम्प्लीटली हमारे जो है हमने एक स्ट्रक्चर जो बनाया था उसको फुलफिल करे, लेकिन हमारे पास सीट्स कितनी है, हमारे पास एक क्लास कितनी है 30 स्टूडेंट्स की, तो हमने उस 50 में से कितने को सिलेक्ट करना है, 30 को। तो हम जो रन टाइम पे फिर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम कह रहे हैं सेमी स्ट्रक्चर है, कि हम बाकी का स्ट्रक्चर है वो रन टाइम पे बनाएंगे, हम मे बी हम उसमें कुछ इंटरव्यूज लें, हम इंट्री टेस्ट लें, इंट्री टेस्ट में हम फिर क्राइटेरिया रख देंगे, इतने परसेंट बच्चे पास हो गए, जो पहले 30 हमने उसमें सेलेक्ट कर लिया, पहले 40 को हम उसमें से पास कर लेते हैं, ठीक है, पहले 40 हमने पास किया, फिर उस 40 में से हम मजीद रिफाइन कर देंगे कि हम इसका इंटरव्यू ले लेते हैं, हम देख लेते हैं इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमें जो है वो क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितने जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस तरह की चीज़ें मजीद हम लोग जो है उसको मजीद रिफाइन करने के बाद जो है 30 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने एडमिशन दे दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक सेमी स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि हम अगर देखा जाए तो वीक हर 6 मंथ के बाद जो है एक न्यू एडमिशन ले रहे हैं, एक स्प्रिंग सेमेस्टर का और एक हम लोग फॉल सेमेस्टर का। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको एक पीरियोडिकली हम लोग इसमें अपने डिसीजंस ले रहे होते हैं, हम लोग इसमें पीरियोडिकली जो है अपना आउटपुट इसमें जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑपरेशन मैनेजमेंट हमारी डेली बेसिस पे होगी, टेक्निकल मैनेजमेंट हमारे पास जो है क्या हो गई, एक पीरियोडिकली हो गई, ठीक है, जिसमें हम 6 मंथ की बात करें, कुछ हम फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है वो एयरली ले रहे होते हैं, ठीक है, उनका हर साल के बाद जो है एडमिशन ओपन हो रहे होते हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड्स में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, मेडिकल फील्ड जहाँ तक मुझे याद है सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो हर साल जो है एक एडमिशन लेते हैं, जबकि हमारे जो कंप्यूटर साइंस है ये क्या कर रहे होते हैं हर 6 मंथ के बाद जो है एडमिशन ले रहे होते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज वाले हर 6 मंथ के बाद एडमिशन ले रहे होते हैं। तो इस तरह से इनका एक पीरियडिकली डिफाइन है कि हमें इतने मंथ के बाद जो है हम लोगों ने नेक्स्ट डिसीजन लेना है। ये बात क्लियर होगी, सेमी स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसमें हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कम्प्लीटली स्ट्रक्चर, इसमें हम लोगों ने क्या किया है सेमी स्ट्रक्चर। कोई मुझे बताएगा ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है? मैम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये होती है कि एक एम्प्लॉय आता है हमारे पास हमारे कंपनी में और वो लगातार 2-3 साल काम करता है, तो उसके बाद जो उसके लिए डिसीजन लिए जाते हैं तो वो होती है मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो हमारे पास वीसी वगैरह लेते हैं जो बड़े होते हैं उस तरह के। एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिक हमारे पास क्या होती है, जिसमें हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, हम उसमें फ्यूचर डिफाइन करते हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि 2 साल बाद हम लोग जो है कहाँ होंगे, हमने 2 साल के बाद क्या करना है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है ये भी हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है इसमें भी कि 2 साल के लिए हम लोग मेहनत करें, 2 से 5 साल नेक्स्ट 2 से 5 साल हमारे पास क्या होंगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक फैकल्टी है ये बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी जो अभी इसकी ये फीडबैक आ रहा है, इसकी ये फीडबैक आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे जो है हमारे पास जो अपर मैनेजमेंट है वो उसके ऊपर डिफाइन कर रही थी इसकी प्रमोशन करनी है या नहीं करनी, तो वो जो फ्यूचर प्लानिंग हो रही होती है, ठीक है, तो वो कौन कर रहा होता है, एक अपर मैनेजमेंट कर रही होती है, जैसे हमारे CEO कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो है VC वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये सब डिफाइन कर रहे होते हैं जो हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर रही होती है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी है बिजनेस है, आज हम लोगों ने बिजनेस में ये चीज़ हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराया है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, इस न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे हम, तब तक वो उसके ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं। आज अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हमारे पहले क्या था, सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट था, ऐसे ही है, तो हमारे फ्यूचर के लिए क्या सोचा हुआ था कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हमारा इतना अच्छा चल रहा था, इन फ्यूचर हम लोग जो है अपना सॉफ्टवेयर भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो आज हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स की, तो हमारे पास बाकी डिपार्टमेंट्स भी इसी तरह से इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं।
हाँ यही चीज है ना बेटा, मैनेजमेंट प्लान जो है हम लोग अचीव करें पर्टिकुलर गोल। जैसे हमारे पास एक गोल था कि हम लोग इन फ्यूचर जो अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, अहमद दानिश ने एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दी है कि हम जो है अपना गोल अचीव कर रहे हैं फ्यूचर, हम लोग जो है अपनी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके, ठीक है, हम लोग जो है कुछ अपनी नॉलेज को अप्लाई करके, तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, फ्यूचर को प्लान करते हैं। जैसे हम, मैं अभी ये एग्जांपल आप लोगों को दे रही थी कि हम लोगों ने जैसे डिफाइन किया हुआ था कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जो है हम लोग जो है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी इंट्रोड्यूस करा देंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। तो आज हमारी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हम लोगों ने इसे प्रीवियस सेमेस्टर में जो है अपना साइकोलॉजी, अभी जो हम लोगों का नेक्स्ट यूनिवर्सिटी डिफाइन कर रही है, ठीक है, जो मैप कर रही है इन फ्यूचर के लिए, तो वो एक साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट कर रही है, ठीक है, कि वो भी चाह रही है एक साइकोलॉजी हमारे पास डिपार्टमेंट हो, तो अब वो उसके ऊपर वर्किंग कर रही है। तो जो भी हम लोग फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं, ठीक है, अपना एक गोल अचीव करने की बात कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेजिक हमारे पास जो है मैनेजमेंट है, ठीक है। तो वही बात है कि हम लोगों ने जैसे इनिशियली इनाम में आई थिंक इस चीज का आंसर दिया था कि हमारा जो पहला पैरामिड है और जो हमारे पास लास्ट पैरामिड है, ये जो सेंटर वाला है लेवल ऑफ सिस्टम, ये बेसिकली क्या, इन दोनों का मर्ज है। यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चों? यस मैम। जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, अगर हम लोग पहले देखें तो हमने टॉपिक में यहाँ पे बात की थी डेटा एक्सट्रैक्शन की, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्शन में हम लोगों ने क्या कहा था कि हम जितना डेटा को एक्सप्लोर कर सकें, जितना उसकी डिटेल को जान सकें, वो हमारे पास क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। देन है हमारे पास टॉपिक डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। अब हम आते हैं डेटाबेस को बहुत इजी वर्डिंग में समझने के लिए, ठीक है, कि हम किसको कितना इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। हमारे पास बेस क्या होता है? मैम बेस जो है वो जहाँ भी मतलब यूज होता है, तो बेस का ये होता है कि एक ही तरह की चीज है साथ में होना। तो डेटाबेस यानी कि एक जैसा डेटा हो, है ना। हम जब बात करते हैं आर्मी बेस की, वहाँ पे सारी आर्मी की चीजें होंगी। हम बात करते हैं जब किसी, जहाँ पे हमारे पास जो है सारी चीजें एक ही टाइप की हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, बेस। यानी कि डेटाबेस में अगर हमारे पास, हम लोग डेटाबेस बना रहे हैं, तो हमारे पास एक ही टाइप का डेटा हो जो हमारे पास रिलेट कर रहा हो, ठीक है, जिसको इजीली हम लोग क्या कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, ऐसे ही हाँ जहाँ पे हम लोग जो है डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, उसमें सॉर्टिंग कर सके हम, उसमें जो है एडिटिंग कर सके हम, उसे क्रिएट कर सके हम, उसे स्टोर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, जो एक टाइप के डेटा है, ठीक है, जो हमारे पास एक ही तरह के, यानी कि बेस का मतलब हमारे पास क्या है, एक ही तरह की कोई चीज, ठीक है, डेटाबेस यानी कि डेटा उसका, वहां पे हम लोग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो कि हम लोग नेक्स्ट अपनी क्लासेस में देखेंगे भी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है अपनी वो DDL और DML अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो है हम लोग अपनी उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अपना डेटाबेस क्रिएट करके हम लोग उसमें सर्चिंग करेंगे, हम उसमें जो है सॉर्टिंग करेंगे, हम उसमें जो है डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है, हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, हम डेटा को जो है, जो भी हम लोगों ने उसको वो फिल्टर करना है फिल्टर करेंगे, तो ये सारे हम लोग जो है उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करे होंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कौन बताएगा डेफिनेशन? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे इन शॉर्ट में बता चुकी हूँ। मैम एक ऐसा डेटाबेस जिसमें हम डेटा को मैनेज कर सके, रिट्रीव कर सके और डिलीट कर सके, ऐड कर सके इस तरह। जहाँ पे हम लोग यानी कि डेटा को ऐसे मैनेज कर सके जहाँ पे हम लोग इजीली उसके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिफर्स टू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस आर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये रिप्लाई किसने किया है, धीरज ने। डेटाबेस आर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, का डेटा यानी कि हम लोग डेटा को ऐसे मैनेज कर सकें जहाँ पे हम लोग डेटा को इजीली यूज कर सकें, ठीक है। द डेटाबेस कंटेन इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक एंड अल्फान्यूमेरिक फॉर्मेट। एग्जैक्टली,
बिल्कुल सही डेफिनेशन है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ डेटाबेसेस। आप लोग ये सारी टाइप जानते हैं, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटाबेस। पढ़िए किसी ने पहले। मैम थोड़ा बहुत इसका अंदाजा है। थोड़ा बहुत मोहम्मद अनस कह रहे हैं यस मैम। मैं चाह रही हूँ हमारा ये वाला सेशन एंड होने वाला है, यानी कि 10 मिनट रहते हैं इसके, 8-7 मिनट, 7 मिनट के बाद इसको दोबारा स्टार्ट करें, या फिर क्योंकि इसमें ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ डेटाबेस। चलो हम अभी इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटाबेस है, ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर डेटाबेस, स्ट्रक्चर डेटा से क्या मतलब है, यहाँ पे कोई मुझे बताएगा? मैम वो डेटा जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, जो अनस्ट्रक्चर्ड ना हो। एग्जैक्टली, यहाँ पे यानी कि हम लोग जो है डिफाइन कर देते हैं, एक प्री डिफाइन हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने किसी भी चीज को सिक्योर करने के लिए हम उसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने चीजों को, यहाँ पे हम लोग जो है टाइप बता देते हैं उसकी, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे न्यूमेरिक यूज करना है, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग यूज करना है, यहाँ पे हम लोगों ने ये टाइप यूज करनी है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जब बता रहे होते हैं, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर को इनिशियली डिफाइन कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारे इस कॉलम में जो है हमारी इस साइज का डेटा होगा, यहाँ पे हमारी सारी ईमेल्स होंगे, यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स होंगे, यहाँ हमारे सारे सेल नंबर्स होंगे, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का या किसी भी पर्सन का फर्स्ट नेम होगा, यहाँ हमारे पास लास्ट नेम होगा, ठीक है, यहाँ पे हम कंबाइंड नेम लिखेंगे, यहाँ उसकी यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पे उसके कोर्सेज होंगे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि हम उसको डिफाइन कर रहे हैं पहले से। क्लियर है ये चीज? सेमी स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे हम लोगों ने अभी जैसे मैंने आप लोगों को बात एक एग्जांपल दी थी एक स्टूडेंट्स की एडमिशंस की, सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, अपनी जॉब के लिए, वहां पे हार्डली एक या दो सीट्स हैं, लेकिन आप उस इंटरव्यू के टाइम पे जो है फुलफिल करें उनके क्राइटेरिया को, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो स्टूडेंट है वो हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो मास्टर हो और उसका ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो आप लोग जो है जब वहाँ अप्लाई कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल आप कोई 30-20 स्टूडेंट वो है फैकल्टी वो है एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो अप्लाई करने गए हैं, और अप्लाई करने के बाद जो है आप लोगों ने जब अपनी एप्लीकेशन दी और आप सबका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, क्योंकि इनिशियली हम लोग जब भी कोई एचआर कोई एड देती है तो उसमें जो है सिलेक्शन के बाद वही एप्लीकेशन को सिलेक्ट करती है जो के फुलफिल हो रही हो उनकी रिक्वायरमेंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि 10 पर्सन वहां पे आए जो कि उस जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर रही थी, तो फुलफिल करने के बाद उस 10 में से उन्होंने सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है। तो वो उन्होंने एक इनिशियल स्ट्रक्चर क्या बनाया था कि हमारे पास जो इम्प्लॉयज आएंगे जिनकी हम हायरिंग करेंगे वो क्या होंगे, उन्होंने मास्टर्स किया होगा, यानी कि उन्होंने अपनी जो है 18 जो है ईयर्स की डिग्री कंप्लीट की हुई होगी, एंड देन उनके पास जो है फॉर एग्जांपल 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तो उसके बाद उनकी हायरिंग होगी। उन्होंने उसमें से 10 एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया, ये उनका क्या था, एक स्ट्रक्चर क्रिएट था। देन वो क्या कर रहे हैं अब, बाकी का स्ट्रक्चर वो रन टाइम पे क्रिएट करें कहाँ पे, इंटरव्यूज लेके, कि हमारे पास अगर ये एक एम्प्लॉय बन के आता है तो ये इसमें कितना कॉन्फिडेंट है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उससे कुछ क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं कि उसका जो है स्टेमिना चेक किया जाता है, ये कितनी जल्दी हाइपर हो जाता है, कितनी ये कितना कूल डाउन है। जब मैनेजमेंट लेवल पे आपके इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें ये चीज सबसे ज्यादा नोट की जाती है इंटरव्यू के टाइम पे कि ये इस पर्सन को गुस्सा कितनी जल्दी आता है, तो उसके जो एंगरनेस है ना वो उसको बहुत जल्दी नोट कर रहे होते हैं कि अगर ये मैनेजर बनता है तो ये कहीं अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज के ऊपर इतनी जल्दी एंग्री तो नहीं हो जाता, या इतनी जल्दी अप्रिशिएट तो नहीं कर हो जाता। तो इस तरह की चीजें वो जो होती हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रन टाइम पे अप्लाई करके अपनी हायरिंग कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग आधा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें और आधा स्ट्रक्चर जो है हम लोग जो है रन टाइम पे हम डिफाइन कर रहे हो कि यहाँ पे वो एक मैनेजर डिफाइन करता है, एक जनरल डिफाइन कर रहा होता है, जो जनरल मैनेजर होता है वो डिफाइन कर रहा होता है मैनेजर लेवल पे कि हमने किसकी हायरिंग करनी है, कौन हमारे 100% क्राइटेरिया पे आप फुलफिल हो रहा है, 50% तो डिफाइन करते हैं, बाकी 50% वो रन टाइम पे देख रहे होते हैं। ये हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर होता है। अनस्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हुआ हुआ, वहां हमारे पास क्या हो रहा है कि हर
यानी कि वहां पे हम लोगों ने जैसे हम लोग स्ट्रक्चर डेटा के बारे में बात की थी कि यहाँ पे हम लोग जो है डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास ईमेल एड्रेसेस होंगे, यहाँ पे हमारे पास सेल नंबर होंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, एंड स्ट्रक्चर में हमारे पास सब कुछ होता है। यहाँ पे हम लोग वीडियोस भी होंगे, यहाँ पे हमारे पास इमेजेस भी होंगे, यहाँ पे हमारे पास वॉइस नोट्स भी होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है ईमेल्स भी होंगी, हमारे पास नेम्स भी होंगे, हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट भी होगा, हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्मेट भी होगा। तो यानी कि सारे फॉर्मेट जहाँ मौजूद होंगे वहां हमारे पास क्या होगा, अनस्ट्रक्चर हमारे पास डेटा होगा। क्लियर है ये बात? ये हमारे पास क्या है, तीन मेन कैटेगरीज है रिलेशनल डेटाबेस के बाद। मैम अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस में ये भी हो सकता है ना कि डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस हो। हाँ एग्जैक्टली, लार्ज डेटाबेस इसीलिए तो इसको बिग डेटा कह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट कलेक्शन यूज कर रहे हैं। इसका आप आगे देखें तो बिग डेटा भी लिखा हुआ है। यस, बिग डेटा में हमारे पास मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, ये आप एडवांस लेवल पे पढ़ते हो। एडवांस लेवल यानी कि एमएस में करते हुए यहाँ पे आप लोग इलेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। मोस्टली मैंने अपने एमएस में ही हम लोगों ने इसका बिग डेटा का पढ़ा था। ठीक है, डेटा साइंसिस का हमने इसमें पढ़ा था कोर्स। ठीक है, जब आप इलेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हो, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने ये चीज भी नोट की है कि आपको बहुत एडवांस टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। मास्टर लेवल पे मजीद एडवांस टॉपिक पढ़ाए जाते हैं आपको। मशीन लर्निंग इसमें पढ़ाई जाती है, आपको इसमें एनएलपी पढ़ाई जाती है, आपको इसमें जो है जो है डेटा साइंसिस पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो लास्ट टॉपिक्स है हमारे, जो कि हमारे पास जो है बिग डेटा को कवर कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे हम टॉपिक्स पढ़ते हैं। ये उन टॉपिक्स में कवर हो रहा होते हैं। अगर हमने डेटा साइंसिस को लर्न करना है, उसकी डेप्थ में जानना है, तो हमें उसके पहले बेसिक्स पढ़ने पड़ते हैं, जो कि फिर जाके हमारे पास ये बिग डेटा आता है। बिग डेटा का भी कोर्स है। ओके मैम, ओके, हमारे पास एक मिनट रह गया, मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ हम यहीं पे सेशन एंड करके फिर स्टार्ट करें। एज यू विश मैम। बाकी आप लोग बच्चों मुझे अपना आज प्रोजेक्ट के ग्रुप बना के दे दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप कोई बना रहे हैं या मैं बनाऊं? मैम बना देंगे हम लोग, फिर आपको ऐड कर। चलिए ठीक है मैम, आपका नंबर अगर आप शेयर कर दें एलएमएस पे या ये। चलिए मैं एलएमएस पे कर देती हूँ। ठीक है, अनाउंसमेंट पे शेयर कर दो। यस मैम, अनाउंसमेंट में ही हो जाएगा। जैसे सेशन एंड होते हैं मैं आपसे नंबर शेयर करती हूँ। ठीक है, एंड देन हम अपना बस इनको एक नजर हम देखेंगे। ठीक है, जितनी यहाँ पे टाइप्स आ रही है हमारे पास, क्योंकि हमने इन टाइप्स को इतना नहीं पढ़ना, इसमें से हम जो है कवर सिर्फ रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट को करेंगे। ठीक है, बाकी इनकी हम सिर्फ एक नो हाउ देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, एंड देन हम लोग जो है अपना आज का सेशन एंड कर देंगे। ठीक है, बाकी जिसको डेटाबेस में यानी कि बहुत इंटरेस्ट है, तो वो इसकी मैंने आप लोगों से जो बुक शेयर की है वहाँ पे टाइप ऑफ डेटाबेस